तो बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। शराब कांड मामले में शराब ठेकेदार को बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दुकान पर बतौर सेल्समैन बेटा बैठता था और युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 6 टीमें गठित की हैं और ठेकेदार को पकड़ने की कोशिशें जारी है। वहीं तथाकथित ठेके के सेल्समैन, संचालक, पर्यवेक्षक समेत ठेका मालिक चारों को कुछ ही घंटों में हिरासत में लिया जाएगा और गैंगस्टर अधिनियम और रासुका की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर अलीगढ़ शराब कांड को लेकर आ रही है। शराब ठेकेदार के बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दुकान पर बतौर सेल्समैन, संचालक, जितने भी लोग बैठते थे सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो गई। तो आपको बता दें कि अब तक अलीगढ़ के शराब कांड में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसीलिए अब पुलिस महकमा एक्शन में है, पुलिस प्रशासन एक्शन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी और पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जा सके जो ठेकेदार है और उस पर कार्रवाई की जा सके। और हमारे साथ विरुचि वीरेश पांडे जुड़ गए। वीरेश जी, एक बड़ा ये कांड एक और सामने आ गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने एनएसए की कार्रवाई के आदेश दिए हैं, वो लगेगा भी, 6 टीमें भी लगी हैं। क्या अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी, उन पर गाज गिरेगी क्या? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज गृह विभाग के अधिकारियों को बुलाया था और आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुलाया था और सख्त लहजे में कहा था कि एक्शन लिया जाएगा। बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, इसकी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो तेवर थे, जो सोर्सेज से खबर आ रही है, वो काफी तल्ख थे और ऐसे में सफलता प्राप्त पुलिस को, अलीगढ़ को हुई है। लेकिन ये जो कार्यवाहियां लगातार चल रही हैं कि रासुका लगाया जाता है, नशे लगाया जाता है, तो ये तो पहले से ही कार्यवाहियां लगातार चल रही हैं। जहां जहां ये घटनाएं हुई हैं, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो, प्रतापगढ़ का मामला हो, चाहे फतेहपुर का मामला हो, और जो भी इस तरीके से मामले आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तुरंत कार्यवाही करते हैं, एनएसए लगाते हैं, लेकिन स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज गृह विभाग और आबकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को अपने पास बुलाया था, उन्हें तल्ख लहजे में चेतावनी दी थी कि आखिर ये स्थिति कब सुधरेगी, कौन सी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्या किया जा सकता है। काफी झल्लाहट में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात की, जो सोर्सेज से खबर आ रही है हमारे पास। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो काफी तकपकाए हुए हैं, काफी परेशान हैं कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रुकेंगी तो सरकार के ऊपर लांछन लगेगा और कोरोना काल में जो सरकार की दिक्कतें बढ़ी हैं उसमें इस तरह की और खबरें आनी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए काफी परेशानियों भरा होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं, लेकिन कार्यवाही क्या है, कैसी होगी, किससे होगी, इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया वीरेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये स्थितियां हैं और हालांकि मुख्यमंत्री ने तल्ख तेवर के साथ अधिकारियों को निर्देश दिया है, लेकिन क्या रवैया अधिकारियों को बदलेगा, क्या इन चीजों का तोड़ मिलेगा? और देखिए, 3 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं, इनमें से एक ठेकेदार का बेटा भी है। ये सेल्समैन का काम जो लोग करते थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है, इनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे कामयाबी नहीं कहते हैं। कामयाबी तब होती जब इनको इस कांड के पहले ही धर लिया जाता। अब जब 11 लोगों की मौत हो गई, 11 परिवार उजड़ गए, तब पुलिस हरकत में आई है। और इसलिए हरकत में आई है क्योंकि आप हरकत में नहीं आएंगे तो खुद नप जाएंगे।